हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी एंड वेलकम यू ऑन दिस डेली हिंदू ऑनलाइन वीडियो। इन द मॉर्निंग दिस वीडियोस कम और शाम को जो है एमसीक्यूज के लेसन आते हैं और इन दोनों को आपको फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, डेली प्रैक्टिस बनाए रखिए। कई बार बोरिंग फेज आते हैं, कई बार इंटरेस्टिंग लेसन आते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये इशूज़ जो हैं उनके अंदर इंटरेस्ट आपको खुद को बनाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कई बार ऐसे इशूज़ आते हैं जो बहुत बोर करते हैं, और इस फेज़ में ऐसा होता है बहुत बार कि चीज़ें हमेशा इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं, तो उस टाइम पर स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर पाएंगे तो आप सब कुछ अचीव करेंगे। ये एक की है सक्सेस की इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेंडिंग के ऊपर है, इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जो है डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा और इन नंबर पर कॉल कर सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ पर चैट सेक्शन अवेलेबल है, PDF आपको यहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको यहीं पर मिलेगा, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। पहला एक इम्पॉर्टेंट इशू है, दिल्ली के टैप क्वार्टर के अंदर जो 42 पैरामीटर्स के ऊपर सब जगह पर ये फेल हो गया है, और जो पाइप्ड वाटर देने का एक मिशन है प्रधानमंत्री का, जो एक विजन है कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सारे हाउसहोल्ड्स को 2024 तक मिलेगा, तो उसके लिए एक क्लैरियन कॉल, मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉल दी है मिनिस्टर ने, जो मिस्टर पासवान है, स्वच्छ पानी अभियान होना चाहिए। तो इसके शुरुआत में ही एक बड़ा झटका लगा है सारे पैरामीटर्स पे और फेल हो गया है पानी। इवन मिनिस्टर्स के हाउस में जो पाइप से पानी आता है म्यूनिसिपैलिटी का, वो सारा खराब है। तो उसमें पीएच लेवल्स, ऑर्डर्स, मेटल कंटेंट, TDS जितना भी है, डिजोल्व सॉलिड जो होते हैं, सब पैरामीटर्स पे फेल हो गया है। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि हम सिटी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की जो कि देश की राजधानी है, वहाँ पर पानी ऐसा आता है। तो सोचिए कितने लाखों लोग जो है उसको पीते हैं और सब लोग कोई फिल्टर पानी का यूज़ नहीं करते हैं, तो कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो रिस्क पर चल रही है, और कितनी सारी बीमारियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमारे पीने के पानी में भी और इतना सारा इशू है। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, लेकिन स्वच्छ पानी अभियान होना बहुत ज़रूरी है, और पाइप ड्रिंकिंग वाटर का सपना बहुत सही है, लेकिन जो जहां पर पहले से आ रहा है कम से कम वो तो सेफ हो। ये सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। ग्राउंड वाटर के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो तो कम होती ही जा रही है, तो जितना भी पानी और आएगा उसमें प्योरिफिकेशन की बहुत बड़ा इशू होगा, क्योंकि इंडिया में हर जगह जितना ज़्यादा ऐसे लोग कोई सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं जो एजुकेटेड कम है, जिनको कोई मतलब कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं जिसमें ज़्यादा होता है, तो जैसा आप सोचिए जो वर्कर्स काम करते हैं म्यूनसिपल डिपार्टमेंट्स में, इन सब में वो कितने प्रोफेशनल होते हैं और कितना सिंसियरिटी जो दिखाई जाती है, तो वो उतना ही ज़्यादा काम के अंदर कोई जैसे मान लीजिए ये चांसेस होते हैं कि वो कोई इग्नोर कर देंगे, कोई पूरी तरीके से उस चीज़ को इतना सेंसिटिवली नहीं लेंगे, और प्रॉपर उसका क्वालिटी चेक जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्वालिटी के ऊपर इंडिया में बड़े क्वेश्चन, चाहे वो फूड आइटम्स हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्वालिटी के ऊपर बहुत ही बड़ा इशू है। मिलता सब कुछ है लेकिन क्वालिटी का कोई पता नहीं है, सब कुछ यहाँ पर बिकता है, और जितने गरीब लोग जो होते हैं उनका दुर्भाग्य ये है कि वो सबसे घटिया सामान जो है वो उनको कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि वो सस्ता होता है इसलिए कंज्यूम करते हैं, और सस्ता होता है तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, उसमें कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है, कुछ भी वो खा सकते हैं, कुछ भी वो पी सकते हैं, उसका सब कुछ रिस्क पे होता है। तो यहाँ पर बात ड्रिंकिंग वाटर की है जो कि म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट से आ रहा है और उसमें सारे जो है फेल हो गए हैं। BIS जो एक बॉडी है, इंपॉर्टेंट बॉडी है, वो इसमें स्वच्छ पानी की रैंकिंग देगी, ये गवर्नमेंट ने कहा। देखिए रैंकिंग वगैरह जो है, ये डेटा वगैरह जो है, इस पर बहुत एम्फेसिस होता है, बहुत ज़्यादा डेटा वगैरह आते हैं और ये होना भी चाहिए, लेकिन सारा एम्फेसिस रैंकिंग पे और इन सब रिपोर्ट्स पे नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में भी उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। 2012 में लास्ट आया था, उसके बाद में कोई ऐसा चेक नहीं आया है, ना कोई ऐसा पैरामीटर दिया गया है, लेकिन ये स्थिति बड़ी गंभीर है। और इसमें जो ऑफिशियल्स हैं FSSAI के और जल शक्ति मिनिस्ट्री के, दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के, ये सारों के साथ में मीटिंग की है, और जो इशू है इसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो कॉल है 2024 का जो गोल है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज है। तो मेंस के अंदर सारे आप लिख सकते हो, ये GS पेपर 2 और 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह जी जो है, जो जिन्होंने पहले मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे करतारपुर कॉरिडोर के अंदर, तो जो पहला जत्था जो जाएगा पिलग्रिम्स का करतारपुर कॉरिडोर में, तो वहां पर वो इसका हिस्सा होंगे। अब देखिए ये इतना रिलीजियस और इतना सेंसिटिव इशू है कि इसके अंदर कंट्रोवर्सीज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आपको पता ही है कि रिलीजियस इश्यूज के ऊपर इंडिया में बहुत बहुत कुछ जो है चीज चलती है, बातें होती हैं आस्था के नाम पर, बहुत कुछ इस देश में हो रहा है। एक जो रोज आजकल जो है कोई ना कोई
न्यूज़ आती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि जो अयोध्या वाले मामले के अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो रिलीजियस मामलों के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते इंडिया में, ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। तो हो सकता है इसलिए भी जो है माइंड चेंज हुआ है। लेकिन ये करतारपुर कॉरिडोर में लोग पहले भी जाते थे, लेकिन वो लाहौर से होकर जाते थे। अभी ये ओपन होगा तो पहला जत्था इसमें जाने वाला है, और ये बहुत ही पास है, सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर की दूर है ये बॉर्डर से। तो ये डेरा बाबा नायक का यहाँ पर जो इस हाईवे के ऊपर जो जगह लोकेटेड है अमृतसर के पास में, और यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर है, फिर यहाँ से करतारपुर सिर्फ 4 किलोमीटर ही दूर है। तो रावी नदी बीच में पड़ती है, ये जियोग्राफी भी आपसे पूछ सकते हैं, रावी रिवर्स में पड़ेगी, और बहुत एक्सपेक्टेशंस इससे हैं। लेकिन अब देखना होगा क्या होगा, क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड हमारा यही है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, कोई फॉर्मेलिटी हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत बड़ा इशू है, सबसे वर्स्ट फेज एक तरह से अभी चल भी रहा है कश्मीर मामले के अंदर, और जो कुछ यूएन में हुआ है उसके बाद में बहुत दिक्कतें हैं। तो ये इशू है, इस पे आपसे ज्योग्राफी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। लेकिन अभी जो जाएगा ये पहला जत्था, उसके बाद में कुछ आर्टिकल्स वगैरह जरूर आएंगे। ओडिशा ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरा बैन कर दिया है, और स्ट्रिक्टली 2 अक्टूबर से इन्होंने बैन एनफोर्स कर दिया है। ये इन्फॉर्मेशन मैंने शायद एमसीक्यूज वाले लेसन में ही पूछी थी, लेकिन ये आपसे पूछ सकते हैं। और ओडिशा जो है इसमें जो रिपीटेड ऑफेंडर्स जो होंगे उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज होंगे, और कैंपेनिंग काफ़ी अच्छी की गई है, जैसे इसमें एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा किया गया है, जो बहुत नेसेसरी चीज़ भी है इस तरह के कैंपेन्स के लिए। सुदर्शन पटनायक जो वर्ल्ड रिनोन्ड एक सैंड आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक क्रिएट भी किया था से नो टू सिंगल प्लास्टिक यूज़। तो ये अवेयरनेस कैंपेन लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये स्टेट्स इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में जैसे स्टेट्स ऐसे लेने लग जाएंगे और ये जो उनमें आपस में रेस चल पड़ेगी ऐसे पॉजिटिव कैंपेन्स की, तब इंडिया में चेंज आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये सब लोगों को खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि प्लास्टिक का यूज़ करें ही नहीं, सामान वगैरह लेने जाएं तो खुद से एक बैग लेके जाएं, जो कि लोगों की आदत नहीं होती है, लेकिन ये थोड़ा सा जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ कंडीशंस बहुत सारी अटैच्ड हैं, बहुत बड़ा देश है और बहुत जनसंख्या यहाँ पर है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम खुद क्रिएट करते हैं जो कि हमें ही नुकसान करती हैं, और हमें पता नहीं है कि क्या कितने तरह के जो नुकसान हम कर रहे हैं अपने आप को। जैसे हमने पानी वाली बात की अभी कि सब पैरामीटर्स पे पानी फेल है, तो पोल्यूशन भी उसका बहुत बड़ा रीज़न है, और भी बहुत सारी इशूज़ हैं। अगर पोल्यूशन इतना नहीं होता तो शायद वो उसका प्योरीफिकेशन का लेवल ज़्यादा अच्छा होता, और वो इतना ख़राब पानी नहीं होता, लेकिन वो प्योरीफिकेशन उसका नहीं हो रहा है, और बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्वालिटी की। तो क्वालिटी का प्रॉब्लम हर जगह है, और उसमें अंदर उसके अंदर पोल्यूशन और एमिशन का बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट, ड्रोन्स के बारे में मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था एक, और ड्रोन जो ड्रोन ओलंपिक्स जो है इंडिया में इस बार हुए थे, इम्पोर्टेंटली जो एयरो शो वगैरह जो हुए थे उसके अंदर ड्रोन ओलंपिक्स के नाम से भी इवेंट हुआ था, तो ड्रोन्स पे बड़ा फोकस है। अभी इसके रिगार्डिंग एक नेगेटिव चीज़ भी सामने आ रही है, जो एक अच्छा पॉइंट है कि नीलगिरी के अंदर जो रिजर्व्स हैं वहाँ पर ये देखा गया है कि जो ये उड़ते हैं ड्रोन्स वगैरह, इनके अंदर फैंस होते हैं, तो उसमें बहुत सारे बर्ड जो हैं वो हर्ट हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये एक बड़ा चिंताजनक कॉन्सिक्वेंस भी होता है इसका, क्योंकि देखिए पहले से ही प्लेन्स वगैरह जो होते हैं उसमें कई सारे बर्ड्स आ जाते हैं जो दोनों के लिए डिवास्टेटिंग होते हैं, बर्ड्स की भी डेथ होती है और जो इंजन है उसके भी फेल होने के और उसके ब्लास्ट होने का खतरा कई बार बहुत बड़ा हो जाता है, और बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है, कई बार बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं इन बर्ड्स के कारण। तो इनकी तो कोई गलती है नहीं, ये तो इंसान ने कैप्चर किया सब कुछ, इसलिए इसका भी हमें कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन जो हैं वो बहुत पॉजिटिव सॉल्यूशंस दे सकते हैं हमको। उनका जो रेगुलेशन है और लेजिस्लेशन जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नेगेटिव यूज़ उनका नहीं हो। तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट इशू डिस्कस हो रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक जो प्रपोज्ड और स्पॉन्सर्ड एक इवेंट जो समिट है, ड्रोन इनोवेटर नेटवर्क समिट, जो दिल्ली में अभी चल रहा है, तो ये सारे इन्हीं चीज़ों की बात करता है कि जो कॉमन चैलेंजेस हैं इसके रेगुलेशंस के और जो इसके लेजिस्लेशंस के, कैसे इनको कंट्रोल करें, और हेल्प बहुत कुछ इससे मिल सकती है, और ऐसी ऐसी हेल्प मिल सकती है जो कि किसी और सोल्यूशन से नहीं मिल सकती है। जैसे मान लीजिए थोड़े बड़े साइज़ के ड्रोन्स वगैरह हैं, उससे हो सकता है किसी पेशेंट्स को भी ले जाया जा सके, और कोई ऑर्गन्स वगैरह जो हैं वो बहुत जल्दी पहुँचाने होते हैं वो हम इससे पॉसिबल कर सकते हैं, कोई डिलीवरी जो है कोई आइटम्स की वो हम कर सकते हैं। लेकिन इससे जैसे मैंने बोला कि बॉम्ब्स वगैरह का भी इशू हो सकता है, कोई मान लीजिए आपको कल को आप खाने की डिलीवरी मंगाओ और ड्रोन में कोई बॉम्ब डाल के रख दे और आप खाना खोलो और वहाँ बम फट जाए, तो ऐसी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं ड्रोन से, इसलिए इनका कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है उसके रिगार्डिंग रूल्स भी हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में ही ये
जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट चल रहा है, तो इन्होंने जो है रेगुलेशंस भी बनाए थे और सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो जो 2018 एक दिसंबर से लागू हैं। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस साल ड्रोन्स के रिगार्डिंग। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स ये होते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल्स के, दो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला जो आर्टिकल है, देखिए समझना थोड़ा सा इसको मुश्किल है और वैसे इतना रेलिवेंट भी हमारे एग्जाम के लिए नहीं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है ये, लेकिन जो कोर इश्यू है वो हमें समझना ज़रूरी है। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लेते हैं, पूरा नीटी ग्रिटीज़ में नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा डिटेल हमें ज़रूरत इसकी नहीं है क्योंकि ज़्यादा ही सब्जेक्टिव हो गया है और ज़्यादा टेक्निकल थोड़ा सा हो गया है। बात इसमें यह है कि FDI का जो इशू है उसके अंदर जो पहला जो फेस चला है उसमें हमने FDI को बस अट्रैक्ट किया है, उसमें जो रूलिंग्स हैं उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसका जो पैटर्न है उसका जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर हमने इतना फोकस नहीं किया है क्योंकि जैसे आज के दिन एनवायरमेंट चेंज हो गया है, MNCs जो हैं अलग टाइप की आ रही हैं, जैसे कि इंटरनेट जायंट जो है, टेक जायंट जो है जैसे गूगल फेसबुक ट्विटर जो है, उनका जो तरीका है उनका जो फ्रेमवर्क है उनका जो सिस्टम है वो बड़ा ही डिवास्टेटिंग है दूसरी कंपनीज के लिए क्योंकि विनर टेक्स ऑल प्रिंसिपल है। इनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इनका मॉडल ही ऐसा है कि इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दुनिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ में जितना बढ़ता है उतना एडवर्टीजमेंट इनको मिलते हैं, उतना ही कैपेसिटी राइज होती है, उतने ही ज़्यादा ये लोग टेक ओवर करते हैं दूसरे छोटे छोटे फॉर्म्स के, थोड़ी बहुत कोई उठता है उसको खरीद लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप पहले काफ़ी फेमस हुआ तो उसको खरीद लिया फिर फेसबुक ने, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए होती हैं। तो इनके जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है और अगर ऐसे चलता रहा तो दुनिया में फिर यही सर्वाइव करेंगे, बाकी सबको ख़त्म कर देंगे क्योंकि इनका मॉडल ही ऐसा है। तो इनके ऊपर कुछ रूल्स में और चीज़ों में चेंज आना भी बहुत ज़रूरी है। ये इनइक्विटेबल डायनामिक्स हो गई क्योंकि इक्विटी नहीं रहती है मार्केट के अंदर, जो फेयर एक कॉम्पिटिशन है वो नहीं रहता क्योंकि इनका मॉडल ही ऐसा है कि ये डिस्टॉर्ट करते हैं मार्केट को और इन्हीं को ही सारे एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, इन्हीं को ही सब कुछ जो है प्रायोरिटीज़ मिलेंगी, कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी, हर चीज़ में इनका फ़ायदा होता है और बहुत ज़्यादा कमाई इनकी होती है और बाकी जो हैं उनको नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए YouTube की बात करें तो आज के दिन कोई भी वीडियोज़ का नाम लेते हैं YouTube सबको याद आता है, तो YouTube एक प्राइवेट कंपनी हम सब जानते हैं लेकिन उसका कितना भयंकर यूज़ हो गया है, बढ़ गया है, तो सोचिए YouTube की कमाई कितनी होती होगी। तो ये एक इशू है इसमें। तो ये जो वैसे MNCs हैं इनके ऑफिसेज दूसरे देशों में भी हैं लेकिन उनके अंदर जब ये एस्टेब्लिश होते हैं तो FDI वगैरह आती है तो उसके रूल्स के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं। तो FDI 1.0 में ये कह रहे हैं कि हमने इनकी इक्विटी स्ट्रक्चर जो है उसको नहीं ज़्यादा डिस्कस किया है और उसका सॉल्यूशन ज़्यादा हमने नहीं किया क्योंकि उनमें फ़ायदा उन MNCs को ही ज़्यादा होता है और जिस देश में जहाँ पे होती है वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नहीं इतना फ़ायदा होता है। अब देखिए अब 2.0 पॉलिसी हमें चाहिए, हमें नेक्स्ट इसका फेज चाहिए FDI का जो इन चीज़ों को मैनेज करके लेगा क्योंकि ये जो नया जो एक फेज आना चाहिए FDI का उसमें सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो हार्मोनाइज होना चाहिए, मतलब कि बैलेंस होना चाहिए ये बिल्कुल, और इंडिया की गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स और जो इंडिया के स्टेक होल्डर्स हैं वो भी एक तो उनका शेयर उनकी इक्विटी में होना चाहिए और उनको नुकसान भी नहीं हो। चाइना का एक बड़ा रीज़न है, चाइना ने इन्होंने दिया है कि ये जो दिक्कतें हैं इनके फ्रेमवर्क के साथ में इसलिए चाइना ने इनको अलाउ नहीं किया और अपने कंडीशन के ऊपर ये अलाउ किया कि हमारा मार्केट एक्सेस चाहिए तो 50-50 जॉइंट वेंचर करो और उसमें आप पेटेंट भी शेयर करोगे, उसमें आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करोगे और ये सब चीज़ें मैंडेटरी होंगी अगर आपको चाइनीज़ मार्केट चाहिए तो। तो चाइना ने बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग रखी। अब उसमें देखिए क्या होता है कि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब गवर्नमेंट जो है वो इतना आसानी से कंपनियों के घेरे में ना आए, कोई करप्शन ना करें और अपने देश की चिंता भी करें, अपने देश के इन्वेस्टर्स वगैरह की, तो उसमें सिंसियरिटी और डेडिकेशन भी ज़्यादा चाहिए। और अगर नेता ऐसे होंगे कि जो जिनको मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी आगे बोलती है कि आपके पार्टी फंड में 10,000 करोड़ रुपये डाल देंगे और आप ये चीज़ अलाउ करवा दूँ तो फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर करप्शन होता है तो, इसलिए ऐसा पहली बात तो होना नहीं चाहिए। और फिर जो कंसर्न होगा तो वहाँ चाइना का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 50-50 जॉइंट वेंचर के लिए बाध्य किया उन्होंने इतनी बड़ी कंपनीज को, इसलिए हमेशा चाइना के अगेंस्ट में ये जो हैं कई बार कैंपेन भी चलाती हैं बड़ी कंपनियां कि अलाउ नहीं करते हैं। तो चाइना ने स्ट्रेटेजिकली पहले तो इनको जो है बैन कर दिया इंटरनेट MNCs को और उसके बाद खुद वालों को प्रमोट किया, इसलिए आज दुनिया के सबसे बड़े जो 20 ग्लोबल इंटरनेट लीडर्स में से 9 चाइनीज हैं, अलीबाबा का नाम आपने सुना होगा। तो ये चाइना इस तरह के काम बहुत करता है तो इन मामलों में बहुत गजब है, इसलिए चाइना की ग्रोथ भी इसी तरह के मॉडल्स पर टिकी हुई है।
अब उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत सारी हैं, लेकिन उसने ऐसा अपने देश के लिए किया। तो इंडिया जो है वो कुछ प्रॉपर तरीके निकाल सकता है जहां पर क्रिटिसिज्म भी नहीं होगा, विन विन सिचुएशन सबके लिए होगी, स्टेक होल्डर्स के लिए। तो स्टेक होल्डर्स तय करना इसमें बहुत जरूरी है पहले। तो स्टेक होल्डर्स मतलब कि जो जो उस मामले में शामिल होंगे, जिनका जो शेयर होगा उसमें। 1978 में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी जिसमें इक्विटी डाइल्यूशन 100% तक रिक्वायर्ड था फॉरेन ओन्ड कंपनीज के लिए। मतलब कि इक्विटीज क्या होती है, जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो कंपनीज के, तो मान लीजिए कंपनी के पास में 51% शेयर खुद के पास है, मतलब कि मालिकाना हक उसी का है, और 49% का वो शेयर निकालती है। तो जो 49% जो लोग, मान लीजिए 49 शेयर निकले, ठीक है, 10,000 रुपये का एक शेयर था, इसका मतलब 49 × 10,000 जो रुपया हुआ वो कंपनी में लोगों ने लगाया। अब उन सब का, मान लीजिए 49 लोगों ने लगाया, तो 40 उन सब का कंबाइंड शेयरिंग जो कंपनी के अंदर हुआ वो 49% का हुआ, मतलब 49% मालिकाना हक जो है उन 49 लोगों का है। और एक एक आदमी की बात करें जिन्होंने एक एक शेयर खरीदा, तो 1% मालिक 49 लोग हैं उसमें, और 51% जो है वो कंपनी के पास में है। तो ये इक्विटी का मामला होता है, इक्विटी है, ये साझेदारी है, क्योंकि पैसा उठाया है कंपनी ने तो वो साझेदार भी बनाना पड़ता, तो इक्विटी मार्केट है। अब कंपनी को फायदा होता है तो फिर क्या आता है, डिविडेंड आता है। डिविडेंड क्यों आता है, क्योंकि कंपनी का अगर प्रॉफिट होता है तो ये जो स्टेक होल्डर्स हैं जो 49% है इनको भी फायदा होना चाहिए, इसलिए इनके शेयर्स पे डिविडेंड आता है। तो ये इक्विटी का डाइल्यूशन जो है वो उस टाइम रिक्वायरमेंट थी, जो कि आज के लिए सही मॉडल नहीं है। और आज के दिन एस्टिमेटेड ये है कि ये MNCs जो हैं उनकी सब्सिडियरीज होती हैं, जैसे गूगल इंडिया है, यूट्यूब इंडिया है, ये ऑफिसेज हैं, तो ये सारे के सारे 50,00,000 करोड़ तक का इक्विटी मार्केट का कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं। इतना बड़ा ये मार्केट है, इतना जायंट ये मार्केट है। इसलिए लिस्ट और ट्रेड MNCs इन इंडिया, मतलब कि लिस्टिंग होती है कंपनीज की, अपने एक्ट है हमारे पास में, उनके हिसाब से कंपनीज की लिस्टिंग होती है, उनके ऊपर फिर रूल्स लागू होते हैं टैक्सेशन के, इन सब के, तो इनका प्रॉपर लिस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ प्रपोजल्स जो हैं वो राइटर देना चाहते हैं, और वो कहाँ से वो इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मैक्सिको के मॉडल से, चाइनीज मॉडल से, बांग्लादेश के भी मॉडल से, और दूसरे कंट्रीज़ के। बांग्लादेश का नाम देखिए कितना इंपॉर्टेंट इशू पे आ रहा है। मैंने कल भी आपको बोला था कि बांग्लादेश बहुत प्रोग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है, चैलेंजेस भी है उस कंट्री के साथ में, लेकिन आगे भी बढ़ रहा है, और ये कई चीज़ों में डिफीट कर रहा है साउथ एशिया की सारी कंट्रीज़ को, इंक्लूडिंग इंडिया। तो प्रपोजल क्या है, देखिए प्रपोजल वन ये है कि लिस्ट इन इंडिया, इंडिया में लिस्ट करो, क्योंकि अधिकतर जो है वो इंडिया में लिस्ट नहीं होती है, इंडियन एक्ट के हिसाब से लिस्टिंग नहीं होती है, उनका जो इन्वेस्टमेंट का एक फ्रेमवर्क अलग है, लिस्टेड नहीं होती है अपने कंपनीज के हिसाब से। तो जो टैक्सेशन वगैरह है उसके भी अलग अलग इश्यूज होते हैं, और इसलिए हमेशा उसमें केसेस ही आते रहते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन ओन्ड इंडियन लिस्टेड MNCs होंगी, जिनको अगर लिस्ट किया जाएगा, मान लीजिए गूगल इंडिया है, उसको इंडिया में लिस्ट करो, तो वो डोमेस्टिक कंपनी टैक्स रेट उनके ऊपर लागू होना चाहिए जो हमारा लागू होता है, तो उससे उनको फायदा होगा, क्योंकि फॉरेन की जब वो आती हैं तो उनके ऊपर कई तरह के टैक्सेस लगते हैं। अगर वो लिस्ट हो जाएंगे तो वो इंडिया वाले डोमेस्टिक टैक्सेस उन पर लगेंगे। दूसरा, जो अनलिस्टेड होंगी उन पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, हायर टैक्स रेट लगाओ, तो अपने आप ही वो उसमें इंटरेस्टेड होंगे लिस्ट करवाने में। बहुत सारे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, इन सब ने टैक्स इंसेंटिव्स निकाले हैं कि अगर लिस्टिंग कराती हैं कंपनीज अपनी तो टैक्स इंसेंटिव्स उनको होंगे, तो इस तरह से काफ़ी अट्रैक्ट किया है। मैक्सिको इसमें बहुत सक्सेसफुल रहा है इनको लिस्टिंग करवाने के अंदर अपने देश के अंदर, तो इन सब कंपनियां जो है कोका कोला, NB, वॉलमार्ट, इन सबको इन्होंने करवाया है। और इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को जो है इंडिया में अगर ये चीज़ लागू करनी है तो कुछ चेंजेस करने होंगे प्रेजेंट पॉलिसीज के अंदर। अभी क्या है कि 100% MNC ओन्ड सब्सिडरीज जो हैं वो जो इंडिया में और दूसरी कंपनियां हैं उनसे वो काफ़ी राइवलरी रखती हैं और उनके साथ कॉम्पिटिशन करती हैं, और वो ऑब्वियसली इंडियन शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी डिवास्टेटिंग भी होता है, तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये कह रहे हैं कि ये एक सोल्यूशन होगा, पर इसमें भी कुछ कमियां रह जाएंगी। सीधा सीधा इंडियन स्टेक होल्डर्स को फायदा पहले प्रपोजल से नहीं होगा, एडिशन में दूसरा प्रपोजल भी इसमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वो क्या है, ट्रेड इन इंडिया और US डॉलर डिनोमिनेटेड पेरेंट MNCs के शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होने चाहिए इंडिया में। क्या होता है, इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज अलग है, NSE है, BSE है, सब है, यहां पर इंडियन कंपनीज के लिस्ट होते हैं और उनके शेयर्स वगैरह जो है वो ट्रेड होते हैं, लेकिन फॉरेन कंपनीज के इतने नहीं होते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कई बार जो है दूसरे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस जो हैं उनके अंदर
बड़ी जो कंपनी होती है दुनिया की, उनके सबके शेयर्स वगैरह बिकते रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो एमएनसीज वगैरह हैं इनको अलाउ करना चाहिए इंडिया में और अपने शेयर जो है उनके एक्सचेंज जो है ट्रेड हो सके। उसके अंदर फिर क्या होगा, इंडिया के इन्वेस्टर्स भी उसमें पैसा लगाएंगे, ये चीज़ अलाउ होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि इक्विटी जो है कंपनी की जो होती है उसके अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स का भी उसमें हक होगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट करेंगे। जैसे नॉर्मली किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो जैसा मैंने आपको मॉडल समझाया 1% वाला 49% वाला, वैसे ही फॉरेन एमएनसीज की जो सब्सिडरीज में और इंडिया वालों का स्टेक होगा। तो उससे क्या है कि एक तो ट्रस्ट बढ़ेगा, दूसरा कुछ चीज़ें और आसान हो जाएंगी इनके लिए और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव भी होगा, तो काफ़ी ज़्यादा आएगा। और उसके अंदर कुछ मॉडल्स लगाए जा सकते हैं, जैसे कि एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम आई थी 2000 के साल के अंदर, उसमें क्या था कि जो आज 2015 में अमेंडमेंट किया गया था कि 2,50,000 US डॉलर जो हैं वो कोई भी रेमिट करवा सकता है, फ्रीली रेमिट करवा सकता है कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जो हैं, चाहे उसमें माइनर्स ही हो, और वो गार्डियन की परमिशन से इतना पैसा जो है वो पर फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक जो होता है, इस अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक मान लीजिए ऐसे फिस्कल ईयर, उसमें रेमिट करवा सकते हैं। तो अब जब इसमें जो शेयर्स वगैरह के अंदर जो है कोई इन्वेस्ट करेंगे इंडियन इन्वेस्टर्स, तो ये स्कीम लागू हो सकती है यहाँ पर, मतलब इस तरह का कोई मॉडल निकाला जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जो फेमा जो एक्ट है इंडिया में 1999 का, उसके हिसाब से ही सब मैनेज होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है या फिर जो करंट अकाउंट का हो सकता है। तो इसमें ये चीज लागू की जा सकती है अगर प्रपोजल 2 को एग्जीक्यूट करना है तो जिसमें मेन चीज क्या है कि इक्विटी इंडियन शेयर होल्डर्स की अलाउ की जाए और उनके जो शेयर्स वगैरह हैं वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर भी ट्रेड हो, और फिर उसमें जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, पैसा जो लगेगा, उसमें ये वाले मॉडल्स अप्लाई किए जा सकते हैं जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जैसे हैं LRS। मेक्सिको का एग्जांपल यहां पर हम ले सकते हैं, वहां पर भी उन्होंने ऐसे ही किया था और उसी तरह की चीजें जो है मेक्सिको वाली वो यहां पर हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं, हालांकि इतनी टेक्निकलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लिखने के लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जब ये अलाउ कर दें अपने शेयर्स को ट्रेड करने के लिए इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, तो फिर इनके ऊपर जो टैक्स वगैरह जो होता है वो जो अगर इंडिया वाली कंपनीज वाले किसी दूसरे कंसर्न से वो एक जैसा सा ही होगा, कंपेरेबल होगा और ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो उनको इंडिया वाले टैक्सेशन के रूल्स ही लगने चाहिए, क्योंकि फॉरेन वालों के लिए हमेशा अलग लगते हैं और उसमें हमेशा उनको शिकायत रहती है, तो ये एक डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और LRS वाला मैंने बताया कि उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो कि बेनिफिशियल होगा फॉरेन की कंपनीज के लिए भी और इंडियन स्टेक होल्डर्स के लिए भी, तो दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, और इसके अंदर कोई एक सॉवरेन ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है, जैसे कि NSDL होती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेट ओन्ड एंटिटी है, वो एक सॉवरेन ट्रस्ट जो है वो बना सकती है इन सारे MNCs के स्टॉक्स का, क्योंकि फॉरेन की कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स हैं तो इनको थोड़ा रिस्क भी रहती है, तो इसके लिए ये सॉवरेन ट्रस्ट भी बना सकती हैं। तो ये चीज़ें फिर आसान भी हो जाएंगी और रिस्क भी नहीं रहेगा। तो ये अल्टीमेटली सिंपल वर्ड्स में इंडियन इक्विटी ओनरशिप जो है उसको बढ़ाएगा और बेनिफिट्स को डाइवर्सिफाई करेगा और इंडियंस को और प्रॉस्परस बनाएगा, क्योंकि अभी जो है उनको बहुत घाटा है और अभी ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यही सारा ले जाती हैं, लेकिन ये मॉडल जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं सकता है, बहुत डिवास्टेटिंग है मार्केट के लिए, इसलिए अल्टीमेटली ये इनको करना चाहिए। और चाइना ने जैसे बाध्य किया इनको, वैसे ही हम भी थोड़ा बहुत कंडीशन में इनको डालें और ये करेंगे तो इनको भी कोई बड़ा नुकसान नहीं है, इनका ट्रस्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टर्स का बेस बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इंडिया में अगर उनके शेयर्स बिकते हैं और एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स इंडिया से बहुत सारे आएंगे और इंडिया वाले खुशी खुशी इन्वेस्ट भी करेंगे, जैसे फेसबुक गूगल उसमें बहुत इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, बढ़िया चलती है, तो इन्वेस्टर्स का बेस बढ़ेगा और विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है, इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए भी और इनके लिए भी। तो ये इशू है और GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट इशू है, इसमें आप लिख सकते हो, थोड़ा सा समझना मुश्किल है लेकिन आप इसको रिपीट करके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इशू है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, देखिए एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया NGOs के लिए और उसमें बोला ये गया कि जो पब्लिक अथॉरिटी के अंदर खुद के सेगमेंट में आएंगी उनको RTI के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जो सब्सटैंशियली फंडेड होती हैं
और फंडेड का मतलब ये है कि सब्सटैंशियली फंडेड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पैसा ही सबसे ज़्यादा उनको दिया जा रहा है, मान लीजिए किसी को लैंड मिल रही है, किसी को और सर्विस मिल रही है, और उसमें इंटेंशन देखा जाएगा कि ब्रॉडर इंटेंशन क्या है, उनका एम क्या है और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, उसके हिसाब से उन्हें पब्लिक अथॉरिटी और का टैग मिलेगा और उनको आरटीआई के थ्रू कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इसका कॉन्सिक्वेंस आएगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो कि बिल्कुल अपना कोई भी ओपन नहीं करना चाहती है फंडिंग का पैटर्न। अभी इन्होंने जो इलेक्शन बॉन्ड्स निकाले थे और ये बोल के निकाले कि हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, जबकि सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला और इवन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे एसवाई कुरेशी, उन्होंने ये तक बोल दिया कि ये एक सीधा सीधा हर चीज़ को सीक्रेट बनाने के लिए एक नया तरीके का टूल है जिसमें बोला कुछ और जा रहा है और ये सफ़ेद झूठ है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, इससे तो और सीक्रेटिव हो गया है और खुला इसमें जो है नेक्सस होगा कंपनियों का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्योंकि इसमें फंडिंग जो आ रही है पहली बात तो वो कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ को ज़्यादा जा रही है और खूब हजारों करोड़ का पैसा इसमें आ रहा है और वो बता नहीं रहे हैं कि किसके थ्रू कैसा पैसा जाएगा, तो ये और ज़्यादा बायस सिस्टम हो गया जिसमें पहले तो सिर्फ सब सारी पार्टीज़ के लिए छुपा हुआ ही था, अभी डिस्टोर्टेड भी हो गया है क्योंकि कुछ ही कंपनीज को जाएगा, पार्टीज़ को जाएगा और दूसरी पार्टीज़ के फंड्स के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो सकता है अगर इसमें कोई मिसयूज़ होता है तो इन बॉन्ड सिस्टम्स का, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। तो बात है इनके फंडिंग पैटर्न का, जिसके रिगार्डिंग हमेशा ही कंट्रोवर्सी रहती है और एक बड़ा प्रपोजल जो चल रहा है कि गवर्नमेंट खुद इनको, स्टेट जो है वो खुद इनको फंड करे, जो इलेक्शंस होते हैं अगर वो सारी फंडिंग जो है ये इकट्ठा करते हैं वो सारी अगर स्टेट देने लग जाए तो फिर काफ़ी हद तक इसमें मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन उसमें ये इशू है कि फिर टैक्स पेयर्स का पैसा इसमें लगेगा, वो हम क्यों दें, तो हमेशा ही इसमें दिक्कत रहती है, इसलिए फंडिंग जो है वो सबसे कंट्रोवर्शियल इशू है और उसके रिगार्डिंग ये जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जीएस पेपर 2 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए ये कह रहे हैं कि डीएवी कॉलेज ट्रस्ट का एक इशू आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि सब्सटैंशियली फाइनेंस जो होती हैं, फंडेड या फाइनेंस जो होती हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट में आएंगी जो आरटीआई एक्ट 2005 में उसके सेक्शन 2H में ये चीज़ दे रखी है कि जो पब्लिक अथॉरिटी होंगी उनको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कोई भी पूछेगा तो, और उसमें अल्टीमेटली ये देखा जाएगा कि इनका इंटेंशन क्या है, ये काम क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए, और फंडिंग का पैटर्न का कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होगा कि भाई हाँ इतनी फंडिंग होगी तो ही ये पब्लिक अथॉरिटी आएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें डिसाइड किया जाएगा कि इनको ये टैग देना है कि नहीं देना है, तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज उनको ज़रूर से पब्लिक अथॉरिटी होना ही चाहिए, लॉ कमीशन ने भी ये चीज़ बोली थी। अब देखिए यही एक बड़ा रीज़न है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़ी दिक्कत आरटीआई से, और आरटीआई के अंदर लाने के लिए पहले भी ये जो है पीआईएल्स वगैरह लगाई गई थी, एडीआर जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसने 2010 में एक प्ली लगाई थी आरटीआई की कि 10 मैक्सिमम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो हैं वो जो रिसीव हुए हैं पार्टीज़ को उनका ब्यौरा दिया जाए, लेकिन वो इन्होंने नहीं दिया और कोई भी पार्टी ने जो है वॉलंटियर इसमें नहीं किया, और फिर पुट पिटिशन जो है वो सीआईसी को लगाई गई, फिर सीआईसी ने एक मीटिंग कन्वीन की और उन्होंने ये बोला कि एक बिल लाया जाए इसके लिए जिसमें सारी पार्टीज़ को पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने का काम हो और उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य किया जाए, लेकिन वो बिल लैप्स हो गया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और सीआईसी ने उससे पहले ये बोल दिया था कि आरटीआई एक्ट के अंदर ये आती हैं और इनको 6 वीक्स के अंदर 2013 में बोला कि सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस अपने बनाने पड़ेंगे हर पार्टीज़ में जो इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन कोई भी उसके रिगार्डिंग इन्होंने एक्टिविटी नहीं दिखाई आज तक, और हर ये कह रहे कि अंडर द सन, मतलब कि दुनिया में चाहे दुनिया जान की कोई भी बात हो जिसके अंदर इनके हज़ार डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन इस मामले में बिल्कुल सारे के सारे एक हो गए, कोई भी पार्टी हो कैसे भी हो। तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जो हम इतना ट्रस्ट दिखा रहे हैं, अंदर ट्रस्ट जो जनता दिखा रही है, ऐसा बिल्कुल भी डेमोक्रेसीज में सही नहीं होता है। अकाउंटेबिलिटी पहला फैक्टर है, हमें ट्रस्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछना बंद जहां पर हो रहा है वहां बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सारी पार्टीज का ये जो इंटेंशन है वो सिर्फ एक है कि कैसे भी पॉलिटिकली पावर हाथ में आए और जो सारा अथॉरिटी मनी सब कुछ है वो हाथ में आए, और फंडिंग सबसे बड़ा इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि फंडिंग के टाइम पर भी हजारों करोड़ रुपया जो है वो आता है इनके पास में, और वो नेक्सस का एविडेंस है सबसे बड़ा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको फंड करती हैं और बाद में उनके हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं, तो उनके ही आपस में गेम चल रहा होता है, जनता सिर्फ बेवकूफ बनती है, ये एक इसका बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है।
मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि जैसे कि एलिगेशंस हैं, विजय माल्या है, नीरव मोदी है, भाग गए पैसा लेके, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ इलेक्शन के टाइम पर बहुत कुछ बातें आती है, हमने उसको पकड़ लिया, हमने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन आज उसका क्या हो रहा है किसी को कुछ याद नहीं है। हो सकता है इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने दिए दिए हो कोई पार्टी को 500-600 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, और फिर जो उनके लोन वगैरह जो दिए जाते हैं उनमें भी ये एलिगेशन क्लियरली सामने आ रहा है। कुछ बैंक ऑफिशियल्स ने भी बताया है कि पॉलिटिकल प्रेशर्स आते हैं लोन देने के लिए, बाध्य किया जाता है। हमारे पास में कोई इतनी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम इनको इतने 1000 करोड़ का लोन पास करें, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रेशर्स ऊपर से आते हैं तो वो दिए जाते हैं और बाद में वो फेल होते हैं क्योंकि उसमें कोलैटरल वैसा नहीं रखा जाता है। तो ये चीज़ें जनता को तो पता होती नहीं है, और जनता वैसे इकोनॉमिस्ट बनी घूमती है लेकिन ये सब चीज़ें कुछ नहीं पता होती हैं हम सबको। तो ये पॉसिबिलिटी की का हम डिस्कशन कर रहे हैं, कोई रियलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये उनको लोन दिए गए, अब वो लोन फेल हो गए, अब वो लेके पैसा भाग गए, और अब चुनाव के टाइम पर खूब पैसा पॉलिटिकल पार्टीज उनको दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमको सीधा बोल दिया कि आप भाग जाओ यहाँ से, हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, ये हम बाध्य नहीं है कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील करने के लिए फंडिंग का। तो ये अगर नेक्सस चल रहा हो तो जनता को तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, और फिर भी हम जो हैं और झंडा लेके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, तो ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो कौन निकालेगा, इन्फॉर्मेशन को कौन निकालेगा? पहली बात तो इन सब चीज़ों का पता किनको लगता है? एक्सपर्ट्स को लगता है, जिनको हमने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया है, एंटी नेशनल बोलना स्टार्ट कर दिया है, और बुद्धिजीवियों को होना ही एक गाली हो गई है, तो वो लोग ही इनको समझते हैं, इसलिए वो ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं। लेकिन पहले से उनके खिलाफ कैंपेनिंग चला दी गई है और बहुत लोग आराम से गुमराह कर दिए गए हैं, जो सब पूरी जान लगाकर उन्हीं के लोगों को दबाने में लगे हुए हैं, और जबकि पार्टीज अपना शानदार जो है काम अपना चुपचाप कर रही हैं, ना वो कोई इन्फॉर्मेशन देती हैं और ना जनता को इन डिटेल्स का पता है, ना इनको इकोनॉमिक्स पता है, ना पॉलिटिकल पैटर्न पता है, ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पता है, लेकिन फिर भी जो काम है वो अपना कर रहे हैं, जो कि दिक्कत पैदा कर रहा है। इसलिए ये रिविलेशन कहाँ से होंगे? आरटीआई से होंगे, और आरटीआई को कैसा शानदार तरीके से इनडायरेक्टली डाइल्यूट करने का जो सीधा सीधा काम हुआ है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा, कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबकि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है कि एक्ट लेके आया जा चुका है जिसमें आरटीआई के प्रोविजंस को चेंज कर दिया गया है, और जहां पर उनकी कंडीशंस जो हैं ऑफिशियल्स की वो गवर्नमेंट अब तय करेगी। मतलब कि जो सारा अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो आरटीआई के थ्रू हमें मिल सकती है, और वो ऑफिशियल जो हैं वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी निभाते हैं कि जो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जहाँ पर जनता को पता होना चाहिए कि भाई हम इतना टैक्स देते हैं, इतना पैसा देते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है, किस तरह से मैनेज हो रहा है देश, क्या क्या इश्यूज हैं हर डिपार्टमेंट्स में, हर मिनिस्ट्रीज में, हर जो है एरियाज में, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है, लेकिन उन्हीं ऑफिशियल्स की कंडीशन कौन तय करेगी? गवर्नमेंट खुद करेगी। तो केस भी किसी के खिलाफ और वही जज उस केस के अंदर इनडायरेक्टली, ये ऐसा केस है। लेकिन आरटीआई के इस इतने बड़े चेंजेस के बाद में भी कोई इसका कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, और भूल जाइए सिक्योरिटी कंडीशंस या फिर कुछ भी, इन सबसे बड़ा मुद्दा आरटीआई का है। अगर ये चीज़ पूरी तरह से डाइल्यूट हो गई तो फिर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल एंड ही हो जाएगी इस देश में, ये एक प्रैक्टिकल इसका कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं, हमें मंदिर मस्जिद की चिंता है, ये इशू है। तो ये बात है, इसलिए सारी पार्टीज जो है वो इसके बिल्कुल भी साथ नहीं खड़ा होना चाहती हैं अपने आप को आरटीआई के परवे में लाने के लिए। और पहले तो बस इतना ही था कि वो सब इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, अब तो आरटीआई को ही और डिमोलिश करने के पूरा स्टेप उठा लिया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो छोड़िए, बाकी किसी भी इशू के अंदर आरटीआई जो है अब उसके अंदर इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा प्रैक्टिकली, क्योंकि उसमें पहले ये था कि सिक्योरिटी थी ऑफिशियल्स को और वो प्रेशर में नहीं आ सकते थे पॉलिटिकली, क्योंकि एक्ट के अंदर पावर्स थी। अब कंडीशंस उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तय करेगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर होगी और वो ये किसी पे प्रेशर डाल सकते हैं इनडायरेक्टली कि आप ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि नहीं जनता को। तो अब ये बात समझने लायक है, बहुत आसान है समझना कि इशू क्या है आरटीआई को डिसॉल्व करने से। तो ये बात है इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर, कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्यों नॉन कंप्लायंस रखती हैं और क्यों ये ज़रूरी है इशू, और जो ये जजमेंट है एनजीओस के रिगार्डिंग ये पार्टीज पे क्यों लागू होना चाहिए, और ये बहुत ही रेलिवेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ये इशू है, अंबेडकर ने ये बोल दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके ऊपर हमें डिपेंड रहना है, लेकिन जो नेचर उसका है वो डिसाइड कैसे होगा, डिफाइन कैसे होगा, वो वैसे ही डिफाइन होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट बना के दे सकता है, जो उसने वहां पर लिख दिया है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और लेजिस्लेचर वो बना के दे दिया है, लेकिन जो स्टेट कैसे, जो गवर्नमेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैसे काम उस पर करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है। और पॉलिटिकल पार्टीज को देखे लाइफ एंड ब्लड बोला भी गया है, लॉ कमीशन ने भी बोला है,
तो इनका अकाउंटेबल होना कितना जरूरी है। अब मान लीजिए आपकी जो नसें हैं उनके अंदर खून के बजाय और मिलावटी खून घूमने लग जाए तो क्या आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज का प्योर होना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट यही है, ये एक इशू है। इसलिए अंधे भगत बनने की बजाय देश के अंदर, डेमोक्रेसीज के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी तय करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, चाहे कितना भी सेंसिटिव इशू हो, क्योंकि वो कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हो, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। किसी की पार्टी हो, अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और इसलिए आरटीआई का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये आज का लेसन था। कुछ एक फैक्ट्स हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक फंगस मिला है जो रेड, इसका नाम मैं भूल गया, रेड फंगाई इसको बोल रहे हैं। इसको मशरूम समझ के कुछ लोगों ने खा लिया था, लेकिन ये बहुत ही डेडली होती है, और ये ऑस्ट्रेलिया में मिली है। इससे पहले जापान, कोरिया में काफी लोगों को मार भी चुकी है। तो ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में अभी मिला था, और ये पॉइजन फायर कोरल फंगस इसका नाम है, पॉइजन फायर कोरल फंगस ये इसका नाम है, और इसको रेड मशरूम समझ के कुछ लोग खा गए थे, लेकिन ये बहुत जहरीला होता है। इसका डिस्कवरी ऑस्ट्रेलिया में भी अभी हुआ है। तो ये इश्यूज हैं, और बाकी एमसीक्यूज के लेसन मिलेंगे, एक आधा फैक्ट है। बाकी थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग। इट वॉज अमित सैनी।